करवा चौथ की कहानी यानी इसकी व्रत कथा। करवा चौथ व्रत कथा स्थान अनुसार बदलती रहती है, तो अधिकतर स्थानों पे ये कहानी सुनी जाती है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्ध देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों के दिल पर आहत पहुंची कि हमारी एकलौती बहन भूखी कैसे रह पाएगी। इसी कारण भाइयों ने एक काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्ध देकर भोजन कर लो। यह सुन उनकी बहन ने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को जल देकर तुरंत भोजन कर लो। परंतु वे इस कांड को नहीं जानती थी। उस लड़की की भाभियों ने कहा कि ननंद जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तुझे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही चंद्रमा मानकर उसे जल देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी उनके घर में था वो उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से उन्हें चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे, उनके पतियों की दीर्घ आयु हो जाएगी और घर में सुख शांति और धन धान्य की बरसात हो जाएगी।